सुकन्या? महारानी जी, क्या हो रहा है सुकन्या? वो हमारी सहायता कीजिए महारानी जी। हमलावर को इसी क्षण बंदी बना लिया जाए। सुकन्या आप यहाँ आइए, आप सुरक्षित हैं। श्वास लीजिए। आप हमें ये बताइए कि वो कौन था, कौन आप पर हमला करना चाहता था, क्या हुआ था, वो आपके पीछे क्यों पड़ा था, आपने क्या देखा सुकन्या? हमने उस हमलावर को देखा। क्या करते हुए देखा? उन्होंने दो सैनिकों के प्राण ले लिए। क्या? दो सैनिकों के प्राण? क्या हुआ? उन्होंने इन्हीं दो सैनिकों के प्राण लिए थे। क्या? लोहे के नाखून जैसे कोई हथियार से खरोंचने भर से इन सैनिकों ने अपने प्राण से धार दिए। क्या? वो आप हमारे साथ चले। वाह, ये तो लोहे के विष भरे नाखून है। इनका निर्माण विशेष रूप से किया जाता है। एक छेद के माध्यम से विष भरा जाता है इनमें और खरोचने पर विष रक्त में घुल जाता है। व्यक्ति उसी क्षण प्राण त्याग देता है। इन दोनों सैनिकों ने रवि जी का अपहरण किया था और नकाबधारी ने इन दोनों की हत्या कर दी। इसका अर्थ यह है कि नकाबधारी को अवश्य पता होगा कि रवि जी कहां पर हैं। तुम ठीक तो हो ना? ये लो चल पियो। हमें पता चला कि वो नकाबधारी हमलावर ने तुम पे भी हमला किया है। विषधारी लोहे के नाखून, वो महल में हमें ज्ञात हुआ कि आप चित्र जगह जगह स्वयं लगवा रही है, तो हमने सोचा कि हम भी आपका साथ दें। आपको इन लोहे के विष भरे नाखूनों के बारे में ज्ञात है? जी, पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति है जो इसे बना सकता है। तो आपको ज्ञात है ये किसने बनाया है? जी, युवराज जी से विवाह पूर्व हम जहाँ रहते थे वो व्यक्ति वहीं रहता था। क्षमा कीजिए महारानी, वो नकाबधारी भाग निकला। हम पीछा कर ही रहे थे कि अंधेरे में कहीं ओझल हो गया।
वो नकाबधारी जानता है कि ये लोहे का जहरीला नाखून हमारे पास है, इसका अर्थ है कि वो ये भी जान गया होगा कि अगर इसे बनाने वाले के पास हम पहुंच गए तो हम नकाबधारी की पहचान जान जाएंगे। महारानी जी, आपके कहने का अर्थ ये है कि जिसने भी इसे बनाया है उसके प्राण संकट में है। ए, क्या हो रहा है ये? सावधान, सावधान। तुम्हारे कारण हम राज सिंहासन के लिए तड़प रहे हैं। अब तुम अपने पिता के लिए तड़पोगे। छोड़ो। ये दोनों लोग हमारे साथ भागने में सहायता करने के लिए नहीं आए थे, तुम्हें भागने से रोकने के लिए आए थे। ले जाओ इसे। छोड़ो आ रही तुझे। भूमि खोद कर ही सुरंग तक जाने का मार्ग बनाया गया है, पर किसी को भी खुदाई के समय का शोर कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी, ये कैसे संभव है? क्षमा युवराज, किंतु किसी ने हमारे भोजन में निद्रा की औषधि मिला दी थी। हमारे सैनिक भोजन के पश्चात बेसुध हो गए थे। जब हम यहाँ पुष्टि करने आए तो देखा सुरंग बनी हुई है। जल चिकित्सक, चिकित्सक ध्रुव, महाराज की हत्या के साथ साथ अब आप पर कारावास से भागने के प्रयास और सम्राट सिंह को कारावास से भगाने की सहायता करने के लिए गंभीर आरोप है। आरोपी भाई जी, आरोप तो आप पर भी लगा है, मेरे बाबा की सुरक्षा ना कर पाने का। मैं इस कारावास से यहां से बाहर निकलने के लिए नहीं भागा हूं। मैं भागा हूं आपके पास पहुंचने के लिए, आपके पास पहुंचकर अपने बाबा के बारे में पूछने के लिए। सेनापति सम्राट सिंह का आपको सच बताने के लिए। कैसा सच? मुझे आपको पता है, इस बार भी मेरे बाबा को गायब करवाने के पीछे सेनापति सम्राट सिंह का हाथ है। आप यकीन नहीं करोगे, आपकी नाक गिरनी चाहिए। दो सैनिक आपको धोखा दे रहे हैं भाई जी। और खाने में दवा भी इन लोगों ने मिलवाई है। आपको सभी लोग धोखा दे रहे हैं भाई जी, प्लीज मेरी बात का यकीन करिए। नहीं नहीं युवराज, ये बहाने बना रहा है भाई जी। अगर मुझे भागना होता तो मैं कब का भाग चुका होता। ये जो दो कैदी है ना, सम्राट सिंह के साथ मिले हुए हैं। भागना चाहते थे और पकड़े गए, अब सारा आरोप हमारे मत्थे मर रहे हैं। ना मैं भागा हूं और ना ही सेनापति सम्राट सिंह। तो कहां है सेनापति सम्राट सिंह?
चिकित्सक ध्रुव। छोड़ो भाई जी, ये रहा आपका कैदी। और सम्राट सिंह, तुमने नहीं मुझे फंसाया, मैंने तुम्हें फंसाया है। मैं तुम्हारे मुंह से सच उगलवाना चाहता था, इसलिए तुम्हें तुम्हारी मदद करने का झांसा दिया। तुमने खुद माना है मेरे पिता के गायब होने के पीछे इस बार भी तुम्हारा ही हाथ है सेनापति। बोलो, बताओ मेरे पिता कहाँ है। इस बार दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं उगलवा सकती कि तुम्हारे पापा कहाँ है, जीवित है या मर गए। सेनापति, चिकित्सक ध्रुव, संभालिए अपने आप को। सम्राट सिंह, ये दोनों भ्रष्ट सैनिक और इन दोनों अपराधियों को इसी समय पुनः बंदी बनाया जाए। जा रहे हो भाई जी रोको। चिकित्सक ध्रुव, भाई जी मुझे अपने पिता के बारे में सम्राट सिंह से पूछ रहे हैं। इस विषय में भी बात करेंगे, आप आइए हमारे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।